हेलो गाइस वेलकम टू द द चैनल बैक बेंचर और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में आपने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स पढ़ा होगा या टीवी चैनल्स पे भी देखा होगा दैट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव 10 लाख गवर्नमेंट जॉब्स इन मिशन मोड इन 18 मंथ्स चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि जो गवर्नमेंट ने दावा किया है कि दस लाख जॉब इन एटी मंथ ये पॉसिबल है भी या नहीं ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन आई कैसे विद द यूथ विद्लॉयमेंट रेट इन सिटीज अबाउट ट्वेंटी परसेंट द गवर्नमेंट ऑन ट्यूजडे अनाउंस दैट इट वु रिक्रूट टेन लाख पीपल इन मिशन मोड ओवर द नेक्स्ट वन एंड हाफ ईयर वन एंड हाफ ईयर मतलब एटीन मंथ्स ओके तो ये देखिए हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये बढ़ते जा रहा है 20 परसेंट आपको एक छोटा वैल्यू लग रहा होगा लेकिन इन द वर्ल्ड पर्सपेक्टिव ये काफी बड़ा वैल्यू है ओके सो द अनाउंसमेंट कम्स एट ए टाइम व्हेन द अपोजिशन हैज बीन रेजिंग द इश्यू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री और इसी रेट के कारण जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो रूलिंग गवर्नमेंट को घेरती थी बार बार ब्लेम करती थी कि उनके कारण हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी बढ़ रहा है तो इन सभी को देखकर जैसा कि वो बता रहे हैं इन सभी को देखकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ट्वीट किया है PM reviewed the status of human resources in all departments and ministries and instructed the recruitment of 10 lakh people be done by the government in mission mode.

कभी पेपर भी लीक हो जा रहा है और पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने में कम से कम एक से पांच साल लग जा रहे है। जहां पे मिनिमम टू मिनिमम छ या सात महीने लगने चाहिए वहां पे कभी डेढ़ साल कभी दो साल कभी ढाई साल किसी किसी केस में तो सारे तीन साल चार साल भी लग जा रहे हैं वैकेंसीज आ रही है तो वो भी बहुत कम आ रही है जिसके कारण कॉम्पिटिशन और हाई हो रहा है कट ऑफ और बढ़ते जा रहा है और गवर्नमेंट एग्जाम का इतना क्रेज है हमारे कंट्री में अभी रिसेंट में देखा गया था एक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आर का एक एग्जाम था ग्रुप डी का ग्रुप डी लेवल का एग्जाम था जिसमें डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स भी उसके फॉर्म भर रहे हैं ग्रुप डी लेवल एग्जाम बेसिकली एंड पास आउट के लिए होता है लेकिन उसमें भी डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज्यादा है और गवर्नमेंट एग्जाम के कितना प्रेफरेंस है अभी कुछ महीने पहले की बात है जब स्टूडेंट्स ऑफ बिहार एंड यूपी प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट आर आरबी इज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ड्यू टू इट्स इनरेग्यूलरिटी इन एग्जाम पैटर्न एंड शेड्यूलिंग तो ये कुछ इश्यूज है जिसके कारण कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है दैट 10 लाख जॉब्स इन 18 मंथ्स ओके okay? अब हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि इंडिया में जो जॉब का जो कंडीशन है गवर्नमेंट जॉब का क्या कंडीशन है और प्राइवेट सेक्टर में कितने जॉब्स हैं ठीक है तो देखिए इंडिया जॉबलेसनेस पिक्ड एट ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव परसेंट इन अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी कोविड हिट ऑल ऑफर बट कुछ ही टाइम बाद दिसंबर में ये 7.9 परसेंट घट गया लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री डेटा ये फिर से बढ़ने वाला है लेकिन ये जो ट्रेंड है सिर्फ इंडिया में नहीं देखा गया ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा गया क्योंकि कोरोना तो तो पूरे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्ल्ड था था ना में जो जो जॉबलेसनेस का स्टैट वो बढ़ा जिससे बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो गया और इसके कारण बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट के रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी किया हमारे देश में जो बेरोजगारी का जो रेट है अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो फेब्रवरी टू टू में था 8.1 परसेंट और मार्च में घट घटके हो गया 7.6 परसेंट एंड अगेन अप्रैल में 7.8 राइज कर गया। ओके, एंड अकॉर्डिंग जो जॉब करते हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन ये जो वैल्यू है ये वर्ल्ड का जो एवरेज है उससे बहुत कम है एक ऑफिशियल डेटा के हिसाब से इंडिया हमारा देश जो एशिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है 13 job with only मतलब पे कम है और लोग बहुत ज्यादा है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश में और इसके कारण जो हमारे यूथ है वो फॉरिन कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं फॉर देर फर्दर स्टडीज और जॉब तो एक तो हमारे पास जॉब कम है और जो हमारे यूथ है वो जो फॉरन कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं इसके कारण हमारे देश का जो ओवरऑल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो भी घट रहा है From 46% to 40% 2017 2022. है। तो जब इस साल का जो शुरुआत हुआ था तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था दट देर आर एट पॉइंट सेवन टू लाख वैकेंसीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड वेरियस डिपार्टमेंट टू पॉइंट फाइव लाख वैकेंसीज इन सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट टू पॉइंट थ्री लाख वैकेंसीज इन रेलवे थ्री लाख वैकेंसीज इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नाइन्टी थाउजेंड इन पोस्ट डिपार्टमेंट एंड सेवेंटी फोर थाउजेंड इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो ये कुछ हाईलाइटेड डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें वैकेंसीज यहाँ बताई गई है लेकिन अब तो हम ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आ गए हैं तो अब ये जो एट पॉइंट सेवन टू लाख वैकेंसीज है ऑलमोस्ट टेन लाख हो गया है इसलिए गवर्नमेंट ने ट्वीट करके बताया कि टेन लाख वैकेंसीज उनके पास है और जो वो कवर करेंगे इन 18 मंथ बट बताया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट में इससे कहीं ज्यादा वैकेंसीज हैं। बहुत सारे खाली पोस्ट हैं, जिसके कारण जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है तो ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोस्टर है सशक्त न्यू इंडिया सक्षम युवा शक्ति अगले डेढ़ वर्षों में सरकार द्वारा दस लाख लोगों की भर्ती सो काउंट डाउन बेगेंस तो अभी तक हमने बात कर लिया इस कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कहां-कहां वैकेंसीज है लेकिन अब हम बात करें कि इसका बिग पिक्चर क्या है एज ए कॉमन मैन हमें ये भी जानना चाहिए कि अचानक इतनी सारी वैकेंसीज गवर्नमेंट ने दे कैसे दी जैसा कि करंट गवर्नमेंट का इन टर्म्स ऑफ जॉब परस्पेक्टिव उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है तो अचानक इतनी सारी वैकेंसीज गवर्नमेंट ने दे कैसे दी देखिए जब हमारे पीएम मोदी 2014 में आए थे पावर में तो तब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो 2 करोड़ जॉब्स को क्रिएट करेंगे वो जॉब सीकर्स पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय स्टार्टअप्स, ऑन्टरप्रिन और जॉब क्रिएटर पर ज्यादा ध्यान देंगे बट इसके कारण इंडिविजुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ते गया हालांकि मोदी गवर्नमेंट के अंडर में बहुत सारे जो ऑन्टरप्रेन हैं बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं फॉरेन कंट्रीज के वो इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे और जो इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं वो भी काफी ग्रो करने लगे बट ऐसे लोगों के नंबर्स बढ़ने लगे जो कोई स्टार्टअप नहीं करना चाहते या कोई भी ऑन्टरप्रनरशिप नहीं करना चाहते हैं एंड टूवर्ड्स मोर बिगर पिक्चर देखिए आपको पता होना चाहिए कि इस साल के एंड में और अगले साल इलेक्शंस आ रहे हैं तो इस गवर्नमेंट का जैसा कि बहुत ख़राब रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ जॉब परस्पेक्टिव तो अगर वो मिशन मोड में इतनी सारी वैकेंसीज 10 लाख वैकेंसीज अगर 18 मंथ में कंप्लीट कर देते हैं तो उनके पास बेटर रिपोर्ट कार्ड होगा इलेक्शन में दिखाने के लिए टू द पीपल लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट को जॉब क्रिएशन में भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि तो अगर जॉब क्रिएट नहीं होगा तो वैकेंसीज कहाँ से आएंगी तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था कि अगर गवर्नमेंट ये सब अपकमिंग इलेक्शन के कारण कर रही है फिर भी जो गवर्नमेंट जॉब एस्पेरेंट्स हैं उनके लिए काफी अच्छी बात है अभी रिसेंट में गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं उसके बाद और भी बहुत सारे इलेक्शन हैं और लास्ट में 2024 में नेशनल पोल्स होने वाले हैं तो इन सभी अपकमिंग इलेक्शन के कारण गवर्नमेंट ये स्टेप ले रही है विच इज क्वाइट गुड फॉर गवर्नमेंट जॉब एस्पेरेंट्स बट एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसके अंदर बहुत बड़ा हर्डल है इसके अंदर देखिए गवर्नमेंट ने जॉब तो वैकेंसीज अनाउंस कर दिया लेकिन अगर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाता है फिर भी हमारे कंट्री में गवर्नमेंट जॉब का रिकॉर्ड है जैसे आप रिसेंट के देख सकते हैं एग्जामी एस एस टी सी एच एस एल एस एस टी सी जी एल एंड मेनी मोर ये ऑलमोस्ट एक से डेढ़ साल लगा देते हैं फॉर इट्स कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस और इन सभी का टोटल वैकेंसीज ऑलमोस्ट वन लाख होती है तो टेन लाख वैकेंसीज एटीन मंथ में कैसे कंप्लीट करेगी गवर्नमेंट यह भी एक काफी बड़ा इशू है यह मिनिमम एक से डेढ़ साल तो तब लगता है जब सब कुछ स्मूथ हो रहा हो ना ही कोई पेपर लीक हो रहा है ना ही कोई टोटल तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में डेढ़ साल लग जाता है और अगर चीटिंग हो हो जाती है हो है है पेपर लीक जाता जाता तो तो इससे ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये भी गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा हर्डल दैट दे वुड हैव टू होल्ड एग्जामिनेशन ऑल ओवर द कंट्री इन स्मूथ एंड अनबायस्ड वे एंड लास्टली करंट गवर्नमेंट के साथ एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि वो जो भी स्कीम्स लाती है जो भी वेंचर्स लाती है फॉर द पीपल ऑफ इंडिया वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है और कभी कभी तो विदाउट कंप्लीट इवेलुएशन ही वो स्कीम ले आती है जैसे में आप रिसेंट में देख सकते हैं अग्निपथ स्कीम में भले ही वो कंट्री के परस्पेक्टिव से अच्छा है ओवरऑल बट इस स्कीम से बहुत सारे के माइंड में डाउट्स आ गए इसके कारण एस्पेरेंट बहुत परेशान हो गए थे और बाद में जब इतना सारा प्रोटेस्ट हुआ इतने सारे पब्लिक प्रॉपर्टीज को हर्ट किया गया उसके बाद जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव लाए और उसमें बहुत सारे जो अमेंडमेंट्स किए तो ये सब उन्हें पहले ही इवेल्युएट करके रखना चाहिए था और बाद